हमने तो बहुत लाड़ प्यार से बड़ा किया हमारी इस बेटी को, ख्याल रखना। अरे दूसरा बेटा, कैसे हो तुम? आओ आओ बैठो। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ काकी, आई कैसे हैं? सब ठीक है। अरे दिशा, हमने तो सोचा था कि तुम हमें गुड न्यूज दोगी, लेकिन बेटा ये न्यूज क्या है? वही तो सुकन्या हमसे पूछ रही है। क्या बताएं? ये तो अच्छा हुआ कि तुम्हारे आजूबा ने नहीं देखा, मैंने छिपा लिया, वरना अनर्थ हो जाता। इसे देखे तो ताई की तबीयत ही बिगड़ गई है, किसी से बात भी नहीं कर रही है, घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया उसे। बहुत शर्म आ रही है हम लोगों को। अब देखो ना गार्गी, बेटे की शादी हो जाने के बाद तो लगता है कि सारी चिंताएं खत्म हो गई, पर अगर शादी के बाद भी बेटी चिंता में रखे तो क्या करे, है ना? वैसे तो बहुत ही संस्कारी लड़की है, उसके और दुष्यंत के बीच में कोई वैसे प्रॉब्लम नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। देखो दिशा, तुम्हारे आजूबा का बहुत विश्वास है तुम पर, हमारे खानदान का नाम अब इस तरह अखबारों में नहीं उछलना चाहिए। आप तो बहुत परेशान हो रही हैं। आ जाती है प्रॉब्लम्स, दिशा सब ठीक कर देंगे, हम भी है ना, डोंट वरी। मैं तो यही देखने आई थी कि सब ठीक तो है ना, मुझे तो बहुत टेंशन हो गया था। देखो दिशा, ऐसा कुछ मत करना जिसे तुम्हारा पति नाराज हो जाए, जो हुआ सो हुआ। और देखो बेटा, ऐसा कोई काम मत करना जिससे अपनों को तकलीफ हो, दुष्यंत को भी मैंने यही समझा दिया। देखो दिशा, ऐसा कुछ मत करना जिसे तुम्हारा पति नाराज हो जाए। क्या इसी दिन के लिए तुम्हें पाला था? यही संस्कार हमने तुम्हें दिए थे ताकि भोसले परिवार के नाम पर कलंक बन जाओ? मुझे तुम पर विश्वास है, तुम अपनी मर्यादा नहीं रखोगे। तुम्हारे पापा हमारी बेइज्जती कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या तुम्हारे लिए रिश्ते इतने कच्चे हो गए? किस रास्ते पर चल रही हो? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। बेसहारा बच्चों का आसरा मत छीनो दिशा, अपना वादा पूरा करो। यही संस्कार हमने तुम्हें दिए थे ताकि भोसले परिवार के नाम पर कलंक बच जाओ? तुम तो बदल गई दिशा। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। यही संस्कार हमने तुम्हें दिए थे, तुम्हारी मदद चाहिए दिशा। यही संस्कार हमने तुम्हें दिए थे ताकि भोसले परिवार के नाम पर कलंक बच जाओ? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। यही संस्कार हमने तुम्हारी मदद चाहिए दिशा। मैंने डीके और सानिया की तस्वीर तो डीके को परेशान करने के लिए छपवाई थी, इसलिए नहीं कि मेरे परिवार की प्रतिष्ठा पर कोई आंच आए। डीके और मेरी जंग के बीच में कहीं मेरी फैमिली ना फंस जाए। वेद्यं पवित्रमोंकार रुक्साम यजुर्वेच। बाबा, मैं जानती हूँ परिवार और फर्ज दोनों जरूरी हैं, लेकिन अगर दोनों के बीच विरोध हो तो क्या करना चाहिए? है तो मुश्किल स्थिति। बाबा प्लीज बताइए ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बिटिया, वही करो जो गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जो सच है उसका साथ, अपने व्यक्तिगत संबंधों से ऊपर उठकर अपने लक्ष्य की ओर देखो। और अपने अगर उन्हें दुख हो तो? कोई बीच का रास्ता नहीं है बाबा। बिटिया, अगर बीच का रास्ता होता तो इंसान धर्म संकट में क्यों पड़ता? कोशिश करो कि तुम्हारे अपने तुम्हारे लक्ष्य में तुम्हारा साथ दें। दिशा, तुम जिस जमीन को अनाथ आश्रम के नाम पर महिला संस्थान को देना चाहती हो, वो जमीन तुम्हें नहीं मिलेगी। वो जमीन सिर्फ मेरे प्रोजेक्ट के लिए। हम इस प्रोजेक्ट के बारे में बाद में बात करेंगे। नहीं, वो बात अधूरी रह गई थी और मैं हर बात पूरी करना पसंद करता हूँ। मुझे कहीं जाना है,
अभी पहुंचना है। जमीन के बारे में क्या करना है ये हम बाद में तय करेंगे। हम तय करेंगे। तुम बहुत भोली हो दिशा, तुम अब तक नहीं जानती कि डीके अपनी लाइफ ही नहीं बल्कि दूसरों की लाइफ भी तय कर लेता है। तुम अपनी उस वुमेन्स प्रोग्रेसिव एसोसिएशन से कह दो कि उस लैंड पर नजर ना डालें। बस अब मैं चलूं? इतना समझ गई, काफी है। वैसे तुम जा कर रही हो, ये बताना जरूरी है क्या? नहीं दिशा, अगर तुम चाहो तो मेरी गाड़ी ले जा सकती हो। मैं चली जाऊंगी। बात हो गई सनी। हमने दिशा को बहुत समझाया लेकिन वो हमारी बात मानने को तैयार ही नहीं, बहुत जिद्दी। बच्ची है ना, अनाथ आश्रम, वुमेन अपलिफ्टमेंट, राइट्स ऑफ वुमेन, इस उम्र में ये सब बातें अच्छी लगती है। लेकिन उसे नहीं पता कि सैगल खानदान और कनका एम्पायर के लिए ये सब छोटी गरीब बातें अच्छी नहीं। खैर चलो, अभी के लिए तो बला टल गई। हम जब से आए हैं उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि शादी बहुत ही पवित्र बंधन होता है। और यही पवित्र बंधन आपने निभाया था अपने पति के साथ और उसकी फैमिली के साथ। वो सब जाने दो सन, पुरानी बातें भूल जा। हम नहीं चाहते कि सैगल खानदान के बड़े बेटे की जिंदगी मामूली लड़की की वजह से तबाह हो जाए और न ही किसी कॉन्ट्रैक्ट में फंस कर बर्बाद हो जाए। हमें सब मालूम है कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। अब एक लड़की के आगे झुकने की तुम्हारी कौन सी मजबूरी थी हम नहीं जानते, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पढ़कर हमें बहुत बुरा लगा सनी। जो पत्नी बनकर भी पत्नी नहीं, उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देना चाहिए। हम ये भी जानते हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर दिशा ने तुम्हें बहुत परेशान कर दिया, सरदर्द बना के रख दिया इस कॉन्ट्रैक्ट को। इसे खत्म कर दो सनी, टर्मिनेट। तुम यहाँ क्यों आई हो? आई, मुझे आप सबकी बहुत फिक्र हो रही थी। हमारी फिक्र? आज तुम्हारी वजह से हमारी यह हालत हुई है। तुम तो बहुत खुश होगी हमारी यह हालत देखकर। तेरी वजह से तेरे बाबा हमें छोड़कर चले गए। आज वो होते तो हमें ये दिन देखना नहीं पड़ता। एक एक पल तड़प तड़प कर जी रहे हम, बर्बाद कर दिया तूने हमें। लेकिन आई, मैंने तो ये सब हमारे घर को बचाने के लिए किया, हम सबकी खुशी के लिए किया। अपनी गलती पर पर्दा मत डाल। तेरे पापा चले गए, सह लिया मैंने। पैसे नहीं रहे हैं वो भी सह लिया, लेकिन तूने तो भोसले परिवार की इज्जत को धूल में मिला दिया। अब क्या चाहिए तुझे? आई, मैं एक बार आजुबा से मिल लूं। खबरदार, खबरदार अजोबा के पास जाने की कोशिश की तो मुश्किल से छुपाया है वो अखबार जिसमें डीके की तस्वीर किसी और औरत के साथ छुपी है। तुम्हें बहुत दुख होगा, मुझे दुख होगा कि तुम अपनी शादी तक को संभाल नहीं पाई। तुम्हारी कोई गलती होगी कि तुम्हारा पति किसी और औरत के साथ है। क्या हो गया है तुम्हें? कितना बदल गई हो? किन संस्कारों में पाला था हमने? तुमने क्या रंग दिखाया? अब खड़ी क्या हो? जाओ यहां से, इससे पहले कि अजूबा जाग जाए। साहब का मैरिज कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो सकता है, सिर्फ एक ही रास्ता है। We'll be right back.
क्या कह रहे हैं बिटिया? मिसेस दिशा सहगल जी, कहिए। मैं दुष्यंत कुमार सहगल के कत्ल की साजिश में आपको गिरफ्तार करने आया मैं दुष्यंत कुमार सहगल के कत्ल की साजिश में आपको गिरफ्तार करने आया मैं दुष्यंत कुमार सहगल के कत्ल की साजिश में आपको गिरफ्तार करने आया क्या कह रहे हैं आप? कत्ल? अटेम्प्ट टू मर्डर। मिस्टर डीके इस समय हॉस्पिटल में। मैंने कुछ नहीं किया, गलत इल्जाम है ये। मिस्टर डीके ने खुद ये बयान दर्ज कराया है कि आपने उन्हें खाने में जहर देकर मारने की कोशिश की। जहर? मैंने जहर नहीं दिया, मैं सच कह रही हूँ बाबा। हाँ साहब, ये बिल्कुल गलत है। दिशा बिटिया तो ऐसा कर ही नहीं सकती। देखिए, आपको जो कुछ भी कहना है आप कोर्ट से लिखा। चलिए। चलते चलते आइए। चलते चलते मेरे जीवन में ये मोड़ कैसा आया। चलते चलते मेरे जीवन में ये मोड़ कैसा आया। ना तो मंजिल ना है कारवां, ना तो प्यार का है साया। देखे थे जो मेरी आंखों ने वो ख्वाब सुनहरे बिखरे हैं हर बार, मगर उन यादों के कुछ दर्द दिल में उभरे हैं। उन यादों को भूलू किस तरह, कैसे मैं भूलू। आपने अपने हस्बैंड को मारने की कोशिश की। कि मैं आपके सारे सवालों के जवाब दे दूंगी, लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताइए कि डीके कहाँ है, किस हॉस्पिटल में है। ये हम आपके सामने डिस्क्लोज नहीं करेंगे। पर इज माय हस्बैंड, मैं जानना चाहती हूँ। पहले आप हमारे सवाल के जवाब दें। प्लीज मुझे इतना तो बता दीजिए कि वो ठीक है या नहीं। He is all right. आपने अपने हस्बैंड को मारने की कोशिश की। इंस्पेक्टर साहब, आप ही बताइए मैं अपने पति को मारने की कोशिश क्यों करूंगी? ये एक साजिश है मेरे खिलाफ। देखिए, किसी और ने नहीं, खुद मिस्टर डीके ने यह बयान दर्ज कराया है कि आपने खाने में जहर मिलाकर उन्हें मारने की कोशिश की, और डॉक्टर की रिपोर्ट इस बात को कन्फर्म भी करती है। डॉक्टर की रिपोर्ट ये कन्फर्म तो नहीं करती ना कि जहर मैंने ही दिया है। इंस्पेक्टर साहब, आपने तो बहुत से केसेस देखे होंगे, क्या आपको लगता है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ? वैसे भी मिस्टर डीके को देखकर लगता नहीं कि उन्हें जहर दिया गया है। हमने आपको सबूतों के बिना पर गिरफ्तार किया है। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, ये खबर मीडिया तक नहीं पहुँचने दीजिएगा। मैं नहीं चाहती मेरी आई और आजोबा को इसके बारे में पता चले, वो मेरी सिचुएशन नहीं समझ पाएंगे और उन्हें बहुत अफसोस होगा। जो जुर्म मैंने किया ही नहीं उसके बारे में वो लोगों से क्यों सुने, उन्हें बहुत दुख होगा, मैं ये नहीं चाहती। आप परेशान ना हो, देखिए कानून अंधा नहीं होता है, सच सच है और सबूत सबूत। अगर आपने कुछ किया ही नहीं है तो आपको कुछ भी नहीं होगा। बोलो। छोटी मालकिन, ये क्या हो रहा है इस घर में? दिशा बिटिया, इस घर की बहू पुलिस की हिरासत में। कर्म ही ऐसे किए हैं दिशा रानी। नहीं मालकिन, दिशा बिटिया निर्दोष है, वो इतना बड़ा गुनाह कर ही नहीं सकती। अच्छा, ये तुम कैसे कह सकते? हम उन्हें बहुत करीब से जानते हैं मालकिन, और फिर इंसान की इतनी परख तो है हमें। शक्ल से कोई गुनहगार नहीं लगता। वो बेगुनाह है मालकिन, बिल्कुल बेगुनाह। भला वो साहब को जहर क्यों देंगी? वो तो हम नहीं जानते, हमारे बेटे ने साफ बचाव दिया है। और आजकल की लड़कियां न जाने किस लालच के लिए शादियां करती हैं। आपकी बहू इस खानदान की इज्जत है मालकिन, उसे बचा लीजिए। अब दिशा रानी का बचना मुश्किल है, उसे तो हमने ठिकाने लगा दिया। गेट आउट।
वरना इस प्यादे की तरह हमें तुम्हें भी ठिकाने लगाना होगा। हम जानते हैं बिटिया को क्यों फंसाया जा रहा है, लेकिन हम उन्हें कुछ भी नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये रही शय और मात। ये तो सिर्फ मोहरों का खेल, लेकिन जिंदगी की बाजी में तुम्हें शहर भी हम देंगे और मात भी हम देंगे।